बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का आप के खिलाफ प्रदर्शन और तीन छात्रों की मौत के मामले में बीजेपी का हल्ला बोल। आप दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी कार्यकर्ता। और देखिए, छात्रों में लगातार आक्रोश है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जो परिवार है वो दुखित है क्योंकि अपने अपने चिराग को उसने खो दिया है। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत और उसके बाद देखिए किस तरह से बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीते दिन की तस्वीर और आज भी आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी है। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। दूसरी तरफ छात्रों का भी प्रदर्शन इस पूरे मामले में जारी है। देखिए अब ये पूरा जो केस है वो हाईकोर्ट भी पहुंचा है। दिल्ली आईएस कोचिंग हादसा मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। सेफ्टी गाइडलाइन मुआवजे की मांग की जा रही है। बेसमेंट में चल रहे 13 सेंटर को सील कर दिया गया है। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। देखिए किस तरह से थाली लेकर यहां पर बजाते महिलाएं नजर आ रही है और आम आदमी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की जान चली गई। अब ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और राव आईएएस कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। तो अब इस हादसे के बाद प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। लगातार जो छात्र हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन, दो अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और देखिए दिल्ली सरकार हाई हाई के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी तीन तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या कुछ हुआ है। ये तस्वीर उस दिन की है जब ये हादसा होता है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। अचानक से बेसमेंट में पानी आता है और 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो 8 से 12 फीट तक पानी भर जाता है। अब सोचिए उस समय कैसा माहौल होगा। जो छात्र वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर थे, बायोमेट्रिक की वजह से वहाँ पर गेट बंद हो गया क्योंकि बिजली वहाँ पर काट दी गई। बिजली इसलिए काटी गई कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं कहीं बिजली ना उतर आए और ऐसे में दिक्कत ना हो। अचानक से ये पूरा हादसा होता है। फिर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है वहाँ पर भी दिक्कत होती है। जो चश्मदीद थे वो बताते हैं कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे। रस्सियाँ फेंकी गई कि उसके सहारे रेस्क्यू किया जाए, लेकिन पानी इतना गंदा था कि वहाँ से उन्हें रस्सियाँ नजर नहीं आ रही थी। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। श्रेया यादव जो कि उत्तर प्रदेश की थी, तान्या सोनी जो कि तेलंगाना की थी, नेविन डेलविन जो कि केरल के थे, इन तीनों की मौत हो गई। अब लगातार इस खबर के सामने आने के बाद, इस हादसे के बाद आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है बीजेपी। छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ जारी है। करोल बाग की तस्वीरें आपने देखी थी बीते दिन और आज भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन के मद्देनजर जाहिर तौर पर छात्रों में आक्रोश है, अपनी अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और ऐसे में पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती कर दी गई है। तो कोचिंग हादसे के बाद की देखिए ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, किस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और अब ये पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। कई महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। छात्रों का गुस्सा जो है वो भड़का नजर आ रहा है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन का घेराव किया गया, सड़क जाम कर दिया गया। ऐसे में जो लोग आ रहे जा रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी छात्र जो हैं वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाते हुए नजर आ रहे सड़क पर बैठ गए थे। और आज भी यही तस्वीर है जैसी तस्वीर आपने बीते दिन देखी। अपनी अपनी मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे नजर आ रहे, सेफ्टी की बात कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और
कोचेस की तैनाती के बाद भी जो छात्र हैं वो उग्र नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो पुलिस है वो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती नजर आ रही। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर छात्रों में काफी उबाल नजर आ रहा है। करोलबाग दृष्टि IAS मेट्रो स्टेशन के नीचे जमकर जो है वो सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है, इस कारण वहां पर ट्रैफिक भी ठप हो गया है और छात्र हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही SDD के खिलाफ भी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। MCD के खिलाफ भी छात्रों का ये प्रदर्शन है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। छात्रों का कहना कि इस घटना की जिम्मेदार कौन लेगा, इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, जो तीन छात्रों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तीन साथियों की मौत से छात्रों में काफी गुस्सा है। और देखिए लगातार तस्वीरें भी ये घटना राजेंद्र नगर एरिया की है जिसके विधायक दुर्गेश पाठक हैं और बहुत शर्म और अफसोस की बात है कि दुर्गेश पाठक उस जगह पर नहीं पहुंचे और उन बच्चों में से एक बच्चे ने दुर्गेश पाठक को दो दिन पहले बोला था कि यहां पर पानी भर रहा है, इसको ठीक करा दो। इसकी बजाय ठीक कराने के उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। हमारे राजेश भाटिया जो पिछली बार इलेक्शन लड़े थे बाय इलेक्शन में, उन्होंने लिख के दिया दुर्गेश पाठक को कि यहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं हुई, डीसिल्टिंग कराओ, ये पानी बरसातों में बहुत दिक्कत आएगी। इसके लिए दुर्गेश पाठक उनको लिख के भेजता है कि धन्यवाद आपने मेरा ध्यान दिलाया, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। दिल्ली सरकार अव्यवस्थाओं का पर्याय बन चुकी है, यहाँ पर काम की जगह सिर्फ राजनीति होती है और उन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते दिल्ली कमीशन खोरों का अड्डा बन गया है। आज हर जगह से कमीशन ली जाती है, विधायक कमीशन खा रहा है, बेसमेंट में आप लाइब्रेरी चलाइए, बेसमेंट में आप जो मर्जी चलाइए, बिना फायर NOC के आप स्कूल चलाइए। तो ये जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार है अरविंद केजरीवाल, इनको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार आखिर ये जवाब कैसे दे सकती है कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे। तो देखिए लगातार BJP हमलावर है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं कि कोचिंग में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे। अब देखिए इस पूरे मामले में लगातार कई खुलासे भी हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहाँ से आती है कि लाखों लाख फीस लेकर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते वो डरते नहीं हैं। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति दी गई थी, अगर नहीं दी गई थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्या इससे पहले इस पर ध्यान दिया गया जबकि इस पूरे इलाके में इसी तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। हालांकि देखिए आप इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, MCD भी लगातार एक्शन ले रही है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अंजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजू लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से कोचिंग में जिस तरह से ये तीन छात्रों की जान चली जाती है, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, BJP आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही, एक तरफ छात्रों का भी प्रदर्शन जारी है। फिलहाल क्या तस्वीर और क्या अपडेट है? अंजू आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम इसे फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर BJP हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब कार्रवाई की जा रही, कई नए खुलासे भी इस पूरे मामले में हो रहे हैं। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते UPSC की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया ये पूरा मामला। राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, MCD और राव IAS कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है और इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन की बात की गई है। देखिए उधर हादसे के बाद MCD ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया।
लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, ये बड़ी घटना हो जाती है, तभी क्यों एक्शन मोड में कहा जा सकता है कि प्रशासन आती है, पुलिस आती है या सरकार आती है। साथ ही देखिए, संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब भी तलब किया गया है। उधर कोचिंग के छात्र लगातार दूसरे दिन भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल देखिए तीन तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर जो एक सवाल उठाती कि आखिर तीन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश। और तीसरी तस्वीर उस दिन की है जब कोचिंग सेंटर में पानी घुस रहा था, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सिचुएशन देखिए किस तरह से वहाँ पानी काफ़ी तेज़ धारा में बहती नज़र आ रही थी। बच्चे वहाँ पर फंस गए थे, जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर फंस गए थे और फिर वहाँ पर मुश्किल के साथ उनका रेस्क्यू किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है।